एंड क्रिसमस ट्री यू गाइस नॉट गोना बिलीव इतने ज़्यादा महंगे हैं, जो भी मुझे पसंद आ रहा है $350-400 में है। ओके ये ले जाते हैं हमें रेफरेंस। दोस्तों कैसे हाल चाल है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का ब्लॉग देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं क्रिसमस ट्री। मैं मुझे लग रहा पिछले 2 साल से हमने क्रिसमस ट्री नहीं बनाया है क्योंकि लास्ट ईयर हम इंडिया में थे। अगर आपने मेरे इंडिया वाले ब्लॉग्स नहीं देखे तो जरूर से देखिए। एंड उससे पिछले साल हम ना घर को शिफ्ट कर रहे थे, मैंने गिव अवे कर दिया था सारा सामान एंड ऑल्सो मैंने मेरा क्रिसमस ट्री भी। सो इस साल मैंने नया क्रिसमस ट्री खरीदा है जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और लिप्स को थोड़ा पिंक करने वाली हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ही फॉल जैसा लग रहा है ना। सो ये है मोर मॉव फ्रॉम मेबलिन। सो यस इट्स क्यूट। ओके हिम्मत गया है पार्क, जब वो घर आएगा तो हम क्रिसमस ट्री को सजा। यू नो जब आप क्रिसमस ट्री को लगा लेते हैं घर में तो बहुत ही प्यारी सी क्रिसमस वाली वाइब आनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही वार्म एंड कोजी फील होती है। अभी मौसम हमारे यहाँ पे अच्छा है, नवंबर का मिड आ चुका है एंड जब स्नो आएगी तो ये जो अंदर का जो डिकोर होता है ना आपको वार्म्थ देता है, हैप्पीनेस देता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा ट्री हम सेटअप कर लें। कोशिश है कि इस बार हम व्लॉग मिस करेंगे क्योंकि व्लॉग मिस मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो फिर मेरा रूटीन बन जाता है व्लॉग करने का एंड फिर जो मेमोरीज बनती हैं जो पिछले इतने पुराने व्लॉग मिस देख के बहुत मज़ा आता है। सो कोशिश है कि इस बार भी हम ये काम करेंगे। सो इस व्लॉग में मैं आपके साथ थोड़ा सा वो भी शेयर करूँगी जो हमने क्रिसमस शॉपिंग की है एंड देन हम ट्री को सेट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप मेरे फ्यूचर में आने वाली इतनी प्यारी वीडियोज़ को मिस कर देंगे। तो बिल्कुल नहीं जाइए, जल्दी से करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम लोग कैलगरी में रहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आप कैलगरी मूव होने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं एंड आप मेरे हस्बैंड को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट में है एंड आपकी मदद कर सकते हैं आपको ब्यूटीफुल सा घर ढूंढने में। हेलो प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड प्यारा दिन है एंड आज के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं क्योंकि लास्ट ईयर उसको मैंने गिव अवे कर दिया था क्योंकि मैं नया ट्री लेना चाहती थी थोड़ा बड़ा एंड वो वाला जिसके अंदर लाइट्स हों। एंड क्रिसमस ट्री यू गाइस नॉट गोना बिलीव इतने ज़्यादा महंगे हैं, जो भी मुझे पसंद आ रहा है $350-400 में है। आज सुबह मैंने सोचा कि अभी देखते हैं कहीं मुझे अच्छा क्रिसमस ट्री अगर मिल जाए तो। एंड माइकल्स पे क्रिसमस ट्रीज पे सेल थी एंड जो ट्री मुझे काइंड अच्छा लगेगा वो वहाँ पे ऑफ पे था, पर वो सारे कैलगरी के स्टोर्स में सोल्ड आउट था एंड पर ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, कुछ ही पीसेस बाकी थे, मैंने खरीद लिया है। अब मुझे चिंता है कि वो मेरे पसंद का हो, लाइक अच्छा हो, फुल हो, अभी देखते हैं कैसा है, अदरवाइज मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने का ये है कि आप प्रोडक्ट तो सिक्योर कर लेते हैं कि आपके पास पहुंच जाएगा, बट ये है कि आपको पसंद आएगा या नहीं एंड लेट आएगा एंड उसके बाद रिटर्न करना पड़ेगा, ये सारा हैसल नहीं अच्छा लगता है मुझे। सो आज हम जाएंगे ट्री के डेकोरेशन की शॉपिंग के लिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो वो भी मुक जाती है, बाज़ार से आपको नहीं मिलेगी एंड हो सकता है मुझे कहीं अच्छे प्राइस पे चीज़ें मिल जाए। एंड मैंने अपने दिमाग में एक थीम सोच लिया है कि कैसा मैं ट्री को डेकोर करना चाहूँगी, नेचुरल, वुडी, अर्थी एंड थोड़ा सा रेड भी, क्योंकि बिना रेड के क्रिसमस का ट्री यू नो खूबसूरत नहीं लगता। एंड ऑल्सो हम दिन की शुरुआत सबसे पहले क्लिनिक जाने से करेंगे, डॉक्टर के क्लिनिक में जाने से, क्योंकि मेरी प्रिस्क्रिप्शन हो गई है ख़त्म एंड मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए एंड मैं उसको स्किप नहीं करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं एंड बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने एक रोटी खा ली है ऑलरेडी, किस डॉक्टर के वहाँ पे जाके मैंने भूख लग जाएगी और जिसका रिस्क मैं नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि फिर मेरे टेट दवाजे करता है, यूँ बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। लेट्स फाइंड एम्प्टी प्रिस्क्रिप्शन बॉटल। यस माइन, यस माइन, नॉट माइन, सोच तो नहीं देती मैं। वेरी वेरी सैड स्टोरी। ओह नो आई हैव इट, आई थिंक यही है। ओके ये ले जाते हैं हमें रेफरेंस के लिए, लेट्स गो।
सबसे पहला स्टॉप होने वाला है माइकल्स। माइकल्स से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। यहाँ पे चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। पर मैंने मुझे ये न्यूज़लेटर आया था ना कि वन खरीदेंगे तो वन फ्री मिलेगा, तो मैंने कोई चीज़ें डिसाइड करके रखी थी तो वो लूँगी मैं अगर मुझे कोई ऑर्नामेंट्स मिलेगा। ऑर्नामेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे क्यूट से हैं यहाँ पे, लाइक बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑर्नामेंट्स है। डॉलर रामा बेस्ट है। तो कई बार आप ना यहाँ पे ज़्यादा पैसे स्पेंड कर लेते हैं नॉर्मल के मुकाबले। डॉलर स्टोर से कुछ नहीं मिला है मुझे। नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है कैनेडियन टायर। ट्रीज देखे आप कितने महंगे हैं। और यस, कैनेडियन टायर से मुझे 3-4 चीज़ें मिल गई। अभी ये मैं हिम्मत को लेके फिर से गई थी विनर्स से भी मुझे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले जो मुझे पसंद थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रिसमस डेकोरेशन है अगर आप खरीदना चाहें तो। घर आ चुकी हूँ मैं, लेके आई हूँ 140 बल्ब वाले 2 फेरी लाइट्स। मेरे पास ऑलरेडी है कुछ पर उनमें से कुछ ख़राब हो चुका है। लास्ट दिवाली वो चल नहीं रहा था एंड और कोई चीज़ से मैं डेकोरेशन नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ लाइट्स ही होंगी। रंगोली मैं ख़रीदना चाहती थी पर मुझे हमारे पास वाले ग्रोसरी स्टोर में मिली नहीं एंड अमेजोन पर काफ़ी ज़्यादा महंगी है। सो मैं सोचा रामधन्या वैसे भी वुड फ्लोर पर कैसे लगाएंगे, पड़ जाएगी उसके अंदर, सो इट्स अ हैसल, नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो लाइट्स ही लगाएंगे हम। एंड क्रिसमस के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें नहीं मिली। मुझे लगता था मुझे डॉलर स्टोर से अच्छी यू नो वुड जैसी चीज़ें मिल जाएंगी पर कुछ भी नहीं मिला है। 1-2 चीज़ें मुझे पसंद भी आई मैं वो ले नहीं पाई क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। दोबारा से जाएंगे मैं और हिम्मत एक साथ, क्योंकि मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी 5:30 पे, मुझे वापस आना था। एंड मैं 2-4 चीज़ें लेके आई हूँ। आई डोंट नो, आई एम हैप्पी पर या आई लाइक इट। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन सी डेकोरेशंस लेके आई हूँ। सो आई गॉट दिस, हमारे पास पहली बार है ये फायरप्लेस और आ वाला पार्डन। सो वी गॉट पुट दिस गाय हियर, इजंट इट सो क्यूट। एंड नाउ दिस इज हिमत्स अंडरवियर। ओह, इट्स द कीकीज़ अंडरवियर एक्चुअली। कॉपर किस्म के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, इन पे डील थी। मुझे लग रहा है नॉर्मली 25 में है पर मुझे 19 में मिला है। एंड ऑल्सो माइकल में 1 buy 1 get 1 फ्री था ना, तो मैंने रेड लिए हैं। रेड मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहती हूँ पर मुझे लगता है कि क्रिसमस ट्री कम्प्लीट नहीं होता रेड के बिना, सो रेड थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद मैं थोड़ी चीज़ें ना वुड किस्म की ऐड करना चाहती हूँ ताकि मेरे घर के साथ कोहेसिव लगे। ओके गाइस, हमने ऑफिस में नहीं रखा उसको, स्टेयर्स के पास ही रख दिया। नॉट बैड लग रहा है फॉर नाउ, फॉर 2 मंथ्स इट गॉट स्टे देयर। पति की चाय टेस्ट कर लेंगे। सो ट्री को लेके एक्साइटेड एंड नर्वस थी। मैंने पहली बार ऑनलाइन ख़रीदा है, मुझे पता नहीं कैसा होगा। ये मैंने माइकल से लिया था, एशलैंड का ये है ट्री। एंड ओपन करते हैं, मैं और हिम्मत दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं।
सो यस ट्री एंड ऑफ द डे नॉट बैड है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. एंड ये लाइटनिंग इसके अंदर ही है तो आपको अलग से फेरी लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. और अब इसको हमने लाइट अप कर लिया है एंड अब इसके हर एक स्ट्रैंड को खोल लेंगे अच्छी तरह ताकि फुलर लगे. उसके बाद हम डेकोरेट करना शुरू करेंगे. डेकोरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है हिम्मत के साथ, क्योंकि मैं बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स कुछ ही लेके आई थी. वो गैप्स को फिल करने के लिए आप ट्री में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे फिर ट्री फुल लगता है. मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगी, हिम्मत एंड हस्बैंड को करने देंगे. एंड ऑफ द डे जब ये बोर हो जाएंगे डेकोरेट कर करके तो फिर मैं लास्ट टचअप्स कर दूँगी. रिबन्स भी लगाना चाहती थी मैं, मुझे मेरे किस्म के रिबन मिले ही नहीं. मैं ना एक्चुअली वेलवेट के ब्राउन या अर्थी टोन्स वाले रिबन्स ढूंढ रही थी, पर मुझे ये साटन का, अगर फ्यूचर में मुझे कहीं पे मिल जाएगा तो हम उसको ऐड ऑन कर लेंगे. ऑर्नामेंट्स पे मैं इस बार ना बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहती हूँ. मैंने सिर्फ शेड्स लिए हैं, रेड, ब्राउन, गोल्ड एंड ऑल्सो कुछ वुड के ऑर्नामेंट्स है. सो मैंने लास्ट टचअप्स कर दिए हैं एंड अब ये रिबन जो मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदा है, ये साटन का बटर वाइट कलर है, येलो बटर काइंड का कलर है. एंड इसे मैं रिबन बना रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी बो बनाएंगे. एंड जो ऑर्नामेंट के लिए मैंने हुक्स यूज़ की थी उसी के साथ इसको टाई करके हम हैंग कर देंगे हमारे ट्री पे. मुझे लगता है इसके साथ बहुत ही क्यूट लगना शुरू हो जाता है ट्री. सो इस तरह हमारे ट्री की डेकोरेशन हो जाती है कंप्लीट. मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा. एंड ये डेकोरेशन करने के बाद ना घर में अलग सी जो हॉलीडे वाली वार्म कोजी वाइब आ जाती है ना, वो बहुत मज़ेदार लगती है. मैंने ये इतनी ज़्यादा क्यूट वाइब मैंने पहले कभी फील नहीं की. एक्चुअली जब आप चीज़ों को दिल से फील करना चाहते हैं तो फील करते हैं, राइट? अभी मैं ज़्यादा ओपन थी इस कॉन्सेप्ट के लिए. वैसे मैं ट्री बहुत बार लगाती हूँ पर इतना मज़ा मुझे पहले कभी नहीं फील हुआ जितना मैंने कॉन्शियसली इस बार फील किया. आई होप आपको ये ट्री डेकोरेशन अच्छा लगा होगा. आप अपने ट्रीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस सेंड करके. सो वेट करूँगी मैं आपके ट्रीज की. सो हिम्मत के नहाने का समय है.
एंड हिम्मत जापानीज तरीकों के साथ काम कर रहा है, वो हमेशा नहा के सोता है ताकि सारी गंदी एनर्जी सब कुछ निकल जाए और सुबह स्कूल जाने से पहले उसे नहाना नहीं पड़े एंड फिर वो आके ये सारा चक्कर दोबारा से कर पाए. नाइस राइट. सो आई एम गोना पुट लिटिल बिट सोपी ऑन हिम. अरे मेरे से ना स्प्लैश कर ओ ब्लू वाला फड़ा. चल इधर आ जा. गाइस यू आर द बेस्ट. दोस्तों इसी तरह मेरा आज का दिन कंप्लीट होता है. अब आई उम्मीद सो कैमरा बंद हो गया मेरा. सो इसी तरह व्लॉग होता है कंप्लीट. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय.